सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन रूट वन प्लस साइन थीटा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको वर्गमूल को अलग अलग लिख लीजिए, वन माइनस साइन थीटा अपॉन रूट वन प्लस साइन थीटा। अब ये जो हर है उसका प्रीमेयकरण कीजिए, हर का प्रीमेयकरण करने पर, हर का प्रीमेयकरण करने पर, प्रीमेयकरण में हम क्या करेंगे, जो ये हर है वन प्लस साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप रूट वन माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे, वन माइनस साइन थीटा, यहाँ पर ये रूट वन माइनस साइन थीटा है, यह टर्म आपको दी हुई है। यह टर्म हमने क्या किया, ये जो वन प्लस साइन थीटा है तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया रूट वन माइनस साइन थीटा से अंश में और हर में, तो इस तरह से यह हर का प्रीमेयकरण हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं, यह तो हो जाएगा रूट वन माइनस साइन थीटा और रूट वन माइनस साइन थीटा का गुणा वन माइनस साइन थीटा, और यह हो जाएगा रूट पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। हम जानते हैं सर्वसमिका ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर पहली संख्या है एक उसका स्क्वायर और दूसरी संख्या है साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यह बराबर हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन रूट एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो यह एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाएगा रूट कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा साइन स्क्वायर थीटा को उस तो भेज दे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर है ये वन माइनस साइन थीटा, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कर रहे हैं तो यह आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर आपको जो प्रूव करना है उसे देखते हुए हम इसको अलग कर लेते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा। हम जानते हैं चूंकि सेक थीटा जो है वो व्युत्क्रम होता है वन अपॉन कॉस थीटा का, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसे आप लिख सकते हैं, जो आपको सिद्ध करना है वो आप लिख सकते हैं, सिद्ध करना था हमने जो सिद्ध कर लिया है वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ लिखेंगे हम इति सिद्ध। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की सहायता से इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको आपको सॉल्व करना है और यह प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल होगा। सर्वप्रथम हम इसे साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म में बदल देते हैं, हम जानते हैं कॉस थीटा जो है वो वन अपॉन सेक थीटा होता है, सेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा होता है, तो सेक थीटा की जगह हम वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसी तरह से कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है वन अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है, तो सेक थीटा की जगह तो हम लिखेंगे वन अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा की जगह लिखेंगे वन अपॉन साइन थीटा, और इसका पूरे का स्क्वायर है तो यह हो जाएगा रूट वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा का इसमें भाग देंगे तो पीछे ये रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का इसमें भाग देंगे पीछे रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। तो इसकी जगह पर हम एक लिख सकते हैं, एक बटा रूट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं इक्वल टू वन अपॉन यह आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है उसका वर्गमूल कर रहे हैं तो यह हो जाएगा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल साइन थीटा। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यह जो आंसर है वो टेन थीटा और कॉट थीटा के पद में लाना है। यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो भी आ रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में, तो हम ऐसा क्या करें कि यह आंसर टेन थीटा और कॉट थीटा के टर्म में आए। आप देख सकते हैं इनमें से अगर कोई सर्वसमिका लग रही हो तो देखिए, एक बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम अगर एक की जगह पर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखें तो ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है नीचे, इससे एक टर्म डिवाइड हो जाएगी और इस तरफ भी एक टर्म डिवाइड हो जाएगी। यह आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टेन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कॉट थीटा। तो इसे हम करके देखते हैं, चूंकि एक बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इसे हम अलग कर देते हैं, यह है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा और ये है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये टर्म साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा और यहाँ पर कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, तो यह आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आपको इस तरह के सवाल हल करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सिद्ध क्या करना है। जो आपको सिद्ध करना है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए और ये जो महत्वपूर्ण तीन सर्वसमिकाएँ हैं इनमें से किसी एक का उपयोग करते हुए इन सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर लिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आप इसे वापस लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ हम लिखेंगे हेंस प्रूव इति सिद्धम। सवाल है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, और इससे आपको यह सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड में टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा यहाँ आंसर लाना है। देखिए हम एक तरीका तो यह आजमा सकते हैं कि टेन अल्फा को साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा लिखे और टेन बीटा को साइन बीटा अपन कॉस बीटा लिखे। इसी तरह से कॉट बीटा को लिखेंगे कॉस बीटा अपन साइन बीटा और कॉट अल्फा को लिखेंगे कॉस अल्फा अपन साइन अल्फा। तो इस तरह से करते हुए इस सवाल को हम हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस तरफ भी ये टेन वाली टर्म है और उस तरफ भी टेन वाली टर्म है, तो हो सकता है इसको सॉल्व करने में हमें इसको साइन और कॉस में नहीं बदलना पड़े, तो हम इसको साइन और कॉस में नहीं बदलते हुए हम केवल इस कॉट को चेंज करेंगे और इस सवाल को आसानी से हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यह है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, इसे हम इसी तरह से लिखते हैं टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, इसे हम चेंज करते हैं कॉट अल्फा को लिखते हैं वन अपॉन टेन अल्फा प्लस कॉट बीटा को लिखते हैं वन अपॉन टेन बीटा। जैसा कि आपको पहले कहा हुआ है आपकी नज़र होनी चाहिए कि आपको क्या प्रूव करना है। यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है वहाँ टेन वाली टर्म आ रही है और इसमें आप देख सकते हैं कि इस कॉट को अगर हम हटा दें तो यह भी जो आ रहा है सभी टर्म टेन में है। अब इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए ऊपर तो है अंश में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और यहाँ हर में जो है ये हम एलसीएम ले लेते हैं टेन अल्फा टेन बीटा। कॉट अल्फा का व्युत्क्रम होता है टेन अल्फा, इसलिए हमने कॉट अल्फा बराबर वन अपॉन टेन अल्फा और कॉट बीटा बराबर वन अपॉन टेन बीटा लिखा है। यहाँ आप लिख सकते हो चूंकि कॉट अल्फा बराबर वन अपॉन टेन अल्फा और कॉट बीटा बराबर वन अपॉन टेन बीटा। अब
यहाँ आपने एलसीएम ले लिया, टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा से ये टेन अल्फा कट जाएगा, ऊपर रहेगा टेन बीटा, और टेन बीटा से ये टेन बीटा कट जाएगा, ऊपर रहेगा टेन अल्फा। आगे आप देख सकते हैं, देखिए यह टर्म है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन यह टर्म है टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। इस टर्म को हम ऊपर ले आते हैं, मल्टीप्लाई बाय टेन अल्फा टेन बीटा। देखिए टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और नीचे भी क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। आप पढ़ चुके हैं कि योग के लिए क्रम विनिमय होती है राशियाँ, तो दो प्लस तीन भी पाँच होते हैं, तीन प्लस दो भी पाँच होते हैं। तो ये जो है ये भी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है, ये भी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है, इससे यह कट जाएगा। तो पीछे रहा टेन अल्फा टेन बीटा, जो कि आपको सिद्ध करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपने राइट हैंड साइड प्रूव कर ली। लेफ्ट हैंड साइड में था टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, लेफ्ट हैंड साइड में है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बराबर टेन अल्फा टेन बीटा, यहाँ आप लिखेंगे इति सिद्ध। तो इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप इसे साइन और कॉस में बदलेंगे तो यह सवाल थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको यहाँ यह देखते हुए कि आंसर भी आ रहा है टेन अल्फा टेन बीटा, और यहाँ पर ये कॉट वाली टर्म है इसको टेन वाली टर्म में चेंज करना है, और इस तरह से इस सवाल को ज़्यादा आसानी से हम हल कर सकते हैं।